मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है, वी हैव टू डिफाइन। एनवायरनमेंट कहा जाता है सराउंडिंग, द सराउंडिंग विच एनवेलप्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड करता है वो क्या हो जाता है, वो उसका एनवायरनमेंट हो जाता है। और ये एनवायरनमेंट जो होता है, जो सराउंडिंग होती है, जो कवरेज होता है, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो किसी भी जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आ जाएगा, जैसे एनिमल्स आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितनी चीजें आसपास इसको कवर कर रही हैं या इसको सराउंड कर रही हैं, वो सब जो है एनवायरनमेंट कहलाता है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एनवायरनमेंट कहलाता है। वो जो है कोई चीज भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकती है जो इसको सराउंड कर रही है, या कोई भी चीज हो सकती है जो इसको सराउंड करती है। तो इसमें जो एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल को अगर हम देखें तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट, क्योंकि किसी भी लिविंग बींग्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका ताल्लुक जो होता है, उनका रिलेशन जो होता है, वो आपके एक तरह से लिविंग थिंग से भी होता है और नॉन लिविंग थिंग से भी होता है। तो अगर हम एनवायरमेंट को क्लासिफाई करें बांटी है हम लोग, तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। वो क्या है, एक नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड। इस नेचुरल में भी अब देखिए, नेचुरल ह्यूमन मेड मतलब क्या हुआ, नेचुरल मीन्स जो नेचर ने बनाया है, जो गॉड ने बनाया है, जो अल्लाह ने बनाया है, वो क्या है। ऐसा तो अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, लेकिन जो पहले से बना बनाया अल्लाह ताला ने भेजा है, वो सब क्या है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाता है। इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके अभी आएंगे। और इस नेचुरल को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसको हम बायोटिक भी कहेंगे और अबायोटिक भी कहेंगे। बायोटिक एनवायरनमेंट नेचर एनवायरनमेंट क्या होगा, तो बायोटिक एनवायरनमेंट होता है जब कोई चीज, बायोटिक के मतलब होता है जीवित हो, लिविंग हो। इसका मतलब क्या हो गया, एनिमल्स और प्लांट्स। और जब कोई चीज नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग में आप कुछ ये ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, सरफेस, ये सब क्या आ गया, ये बायोटिक और अबायोटिक। तो नेचुरल चीजें नेचर ने बनाया है, एनिमल्स को भी नेचर ने बनाया, प्लांट्स को भी नेचर ने बनाया, लैंड को भी, लेकिन इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है। कुछ चीजें एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है वो आपके ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। जैसे सारी चीजें बनके तो आ नहीं गई थी, अर्थ के सर्फेस पे आयरन ओर था, लेकिन आयरन नहीं था, ओर से हम लोग ने आयरन को निकाला। अब आयरन का डिफरेंट यूज करने लगे, वही हम लोग घरों के बनाने में सरिये लगाने लगे, फिर आपके एक तरह से जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन वर्क पे बिल्डिंग बनाने लगे, ब्रिज बनाने लगे, ये सारी चीज करने लगे। ये क्या है, ये ह्यूमन ने बनाया, यहाँ पर ये ह्यूमन मेड होती है। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो हम लोगों को क्रिएट होता है वो इसी तरह की चीजें हैं जो कि ह्यूमन ने क्रिएट करी। तो इसमें जैसे रोड्स हो सकती हैं, आपके ब्रिजेस हो सकते हैं, फिर आपके बिल्डिंग्स हो सकती हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि इसमें आ सकते हैं। तो ये सब ह्यूमन मेड है और ये सब जो है आपके एक तरह से चीजों को सराउंड कर रही है। अब जैसे आप कहेंगे कि हम लोग इससे भी घिरे हैं, इससे भी घिरे हैं, इससे भी घिरे हुए हैं, हम लोग आसपास इन सभी चीजों से घिरे हुए हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, सराउंड हैं, वही क्या कहला रहा है, हमारा एनवायरमेंट। तो हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरमेंट आपके नेचर मेड भी है, ह्यूमन मेड भी है। जो नेचर मेड है उसमें से लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो
तो इसलिए यह आपके लिविंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है, और उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी जो ह्यूमन ने बनाया वो सब एनवायरनमेंट कहलाता है। तो ये सब एनवायरनमेंट हो जाता है जो कि हम लोग को मिलता है। अब हम ब्रॉडर सेंस में अगर आते हैं तो ये तो जैसे अभी हम लोग ने सिर्फ डिस्कस किया है कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, किसी भी चीज की सराउंडिंग, तो या कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं किसी चीज को, आप ये समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग की सराउंडिंग क्या है, हम जमीन पे रह रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, खाना जो है हमारा प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है, सब चीजों से डिपेंडेंट है। मतलब ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया जो हमें जिंदा कर रहा है। तो ये क्या है, ये पूरा एक सराउंडिंग हो गई हमारी जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमको एग्जिस्ट करा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट हो जाता है। और ये एनवायरनमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो इसको और ब्रॉडर सेंस में अगर हम अर्थ के सर्फेस पे ले जाए तो अर्थ जो है उसको अगर हम लोग स्टडी करें तो अर्थ का ऊपरी पार्ट है जो आपके हार्ड सर्फेस है, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथो मतलब क्या होता है, रॉक्स, ये है ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड है उसको इंग्लिश में समझना पड़ेगा। लिथो मीन्स रॉक्स, स्फीयर मतलब होता है रीजन, एक ऐसा रीजन जो डिफरेंट रॉक्स से बना है। तो क्योंकि अर्थ का सरफेस डिफरेंट रॉक्स से बना है इसलिए हम लोग अर्थ के ऊपरी सरफेस को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। तो हम लोगों का कॉन्टैक्ट, एनिमल का कॉन्टैक्ट, जो है आपके प्लांट्स का कॉन्टैक्ट लिथोस्फीयर से होगा ही होगा, तो चट्टानों से क्या हम लोग इस पर रह रहे हैं जमीन में, तो ऊपर की जो जमीन है आप ये कह सकते हैं वो लिथोस्फीयर के जो है पार्ट में आती है। इस लिथोस्फीयर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की जमीन ही हम कहेंगे, बल्कि लिथोस्फीयर एक्सटेंड करता है लगभग 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर गहराई तक जो है जमीन से। तो 20 किलोमीटर गहराई तक जो है आपके एक तरह से ये पूरी तरह से जो है गहराई में जाता है। तो ये 20 किलोमीटर गहराई तक का पूरा जो पार्ट है या आपके अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ आप कह सकते हैं, या अर्थ क्रस्ट कह सकते हैं, क्रस्ट मतलब होता है पपड़ी, अर्थ के ऊपर जो पूरी पपड़ी पड़ी हुई है ऊपर, उस अर्थ क्रस्ट को हम लोग जो है आपके लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। इसी लिथोस्फीयर में जगह जगह पर पानी है, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि जो अर्थ का सरफेस है उसमें कहीं लैंड है तो कहीं पर जो है आपके वॉटर है। तो टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया का 70.8% वाटर है और 29.2% लैंड। तो इसमें वाटर बॉडी भी है, इसमें जो है आपके लैंड सरफेस भी है। तो जो वाटर बॉडी का कलेक्शन होता है, वाटर बॉडी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कैसे डिफाइन करेंगे, अब जैसे लिथोस्फीयर क्या है, रीजन ऑफ रॉक्स, द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस रॉक्स इज नोन एज लिथोस्फीयर। ऊपर अर्थ का ऊपर का पोर्शन जो कि अलग अलग ये है आपके रॉक्स से बना हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। और इसी लिथोस्फीयर में लैंड भी है, वॉटर भी है, तो इसके अंदर जो वॉटर सर्फेस है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वॉटर, स्फीयर मतलब होता है रीजन, रीजन ऑफ वॉटर जिसका मतलब होगा, तो इसके मतलब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्यों कह रहे हैं, तो ये आपके इस तरह से वॉटर का रीजन, तो डोमेन ऑफ वॉटर, कलेक्शन ऑफ वॉटर, ढेर सारा पानी जो है वो क्या कहलाया जा रहा है, हाइड्रोस्फीयर। फिर अर्थ जो है ये सराउंडेड बाय एयर है, हम जानते हैं कि जो एयर है वो चारों तरफ से जो है अर्थ को ढके ढके हुए, और जो एयर होती है जिसको ढके हुए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इन गैसों में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारी गैसेस इसमें मिली हुई है। तो ये जो पोर्शन है अर्थ का, जो एनवायरनमेंट है अर्थ का, जो सराउंडिंग है जो एयर के फॉर्म में है, वो क्या कहलाता है, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर, एटमोस्फियर
जो है वो क्या है, एटमो मतलब होता है गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और स्फीयर मतलब होता है रीजन। तो रीजन ऑफ गैसेस जिसका मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसा रीजन जहां पर गैस है। लिथोस्फीयर मतलब क्या हुआ, रीजन ऑफ रॉक्स, लिथो मतलब होता है रॉक्स, तो रीजन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का रीजन हो गया। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हुआ, रीजन ऑफ वाटर, वाटर का रीजन हो गया। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये हो गया। अब क्या पूरे अर्थ में लाइफ है? तो पूरे अर्थ में लाइफ नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ किलोमीटर जाने पर 64 to 65 किलोमीटर के बाद, 64 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो लाइफ नहीं। तो इसलिए आफ्टर 64 किलोमीटर ये लाइफलेस है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, इसमें लाइफ नहीं है, सिर्फ 64 किलोमीटर ऊंचाई तक यहां पर लाइफ। अब आगे ऊपर सरफेस पे लाइफ है, ऊपर हम लोग रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, लाइफ है। पानी के अंदर लाइफ है, जैसे मछलियां रहती हैं, और भी जो है आपके लिविंग थिंग्स रहते हैं पानी के अंदर, तो वो जो है आपके एक तरह से पानी में भी लाइफ है। जमीन के अंदर इन चट्टानों में जहां तक पानी की नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहां तक लाइफ है। इसके मतलब 20 किलोमीटर गहराई तक लाइफ पाई जाती है, और 20 किलोमीटर के बाहर कहीं पर लाइफ नहीं, लाइफलेस है अंदर, अंदर अर्थ में कहीं लाइफ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब यह हुआ कि लिथोस्फीयर में लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर में लाइफ है, एटमोस्फीयर में लाइफ है, एटमोस्फीयर के यहां पोर्शन, तो जितने पोर्शन में लाइफ है उस पार्ट में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर। बायो मीन्स लिविंग, स्फीयर मतलब रीजन, ऐसा रीजन जहां पर लिविंग थिंग्स होते हो। तो बायोस्फीयर क्या हुआ, ऐसा रीजन जहां पर अर्थ पर लाइफ है। तो लाइफ कहां है, एटमॉस्फेयर में 64 किलोमीटर हाइट पर, वाटर में लाइफ है, लिथोस्फीयर में जो है कुछ गहराई मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक जो है आपके पानी पाया जाता है, ऑक्सीजन होगा, इसलिए जो है लाइफ है। 20 किलोमीटर के बाद ना तो पानी है अंदर और ना ही जो है ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम जो डेप्थ आपके देखी गई है वो आपके एक तरह से वो 20 किलोमीटर तक माना जाता है। तो ये जो आपके ये तीन चीजें, चार चीजें आती है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें मिलकर के जो है नेशनल एनवायरनमेंट को बनाती है। तो नेशनल एनवायरनमेंट में यही सारी चीजें आ गई। अब इसमें लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो नेशनल एनवायरनमेंट में आप बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है। तो जिसको हम लोग बायोटिक और अबायोटिक कह रहे थे, इसको आप बट नहीं, जो जो लिविंग है वो बायोटिक में आ जाएगा, जो जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक में आ जाएगा। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड कंप्लीट बायोस्फीयर, जो ये है, ये नेचुरल जो है आपके एक तरह से एनवायरमेंट हो जाता है। तो ये नेचुरल एनवायरमेंट है वो किसी भी चीज का जो कि आपके फॉर्म होता है। अब ये तो एनवायरमेंट की बात है, और ये एनवायरमेंट किसके लिए, सबके लिए। प्लांट्स का भी एनवायरमेंट यही है, क्योंकि प्लांट्स के लिए भी हाइड्रोस्फीयर चाहिए, लिथोस्फीयर चाहिए, बायोस्फीयर चाहिए, एटमोस्फीयर चाहिए। ह्यूमन बींग्स के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यही चाहिए। तो ह्यूमन बींग भी इन सब चीजों से घिरा हुआ है, जो जिस चीज से घिरा हुआ है वही उसका एनवायरमेंट है। तो ह्यूमन बींग का भी एनवायरमेंट क्या है, यही है चार चीज। तो अब इसमें जो है आपके ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है। अब देखिए सारी चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तीन चीजों को कोरिलेटेड है। ह्यूमन बींग्स प्लांट्स से रिलेटेड है, एनिमल से भी रिलेटेड है, एनिमल ह्यूमन बींग से, ह्यूमन से भी रिलेटेड है, प्लांट से भी रिलेटेड है, और प्लांट एनिमल से भी रिलेटेड है, और प्लांट ह्यूमन से भी रिलेटेड है। प्लांट्स का इस्तेमाल ह्यूमन बींग भी करता है, एनिमल का इस्तेमाल ह्यूमन बींग करता है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग से हेल्प लेते हैं, और प्लांट जो है उनका फूड है। उसी तरह से प्लांट्स डिपेंडेंट हैं किस पर, एनिमल पर डिपेंडेंट हैं और ह्यूमन बींग्स पर डिपेंडेंट हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स पानी देता है, प्लांटिंग करता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को बढ़ावा देते हैं,
क्योंकि एनिमल्स अगर होंगे तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अगर खेतों में हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो मैन्योर बनता है, फिर आपके फर्टिलाइजर होता है, फिर आपके एक तरह से उनको खाद मिलती है और बहुत तेजी से प्लांट्स ग्रो करते हैं। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इन सभी चीजों का जो भी एनवायरमेंट में चीजें होती हैं वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप इन सब की ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम जो होता है ये पूरे हमारे एनवायरमेंट में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपस में इंटर रिलेशन हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की चेन में ढेर सारी चीजें जुड़ सकती हैं, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो आप प्लांट्स हम पर डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। जैसे प्लांट्स को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी पेड़ बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है, ह्यूमन बींग और एनिमल्स निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से मिलता है, प्लांट से। तो प्लांट ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स को भी दे रहे हैं, एनिमल्स को भी दे रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी इंटरडिपेंडेंसी है, इससे निकाले हुए ऑक्सीजन से ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं और इससे निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड से ये सर्वाइव कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन हो गया, तो हमें ऑक्सीजन तो हम तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे, आपस में कोरिलेशन बन गया। तो इस तरह के सिस्टम जो रन करता है, जो एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप में होता है, जो एक दूसरे से जो है आपके कोरिलेटेड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको चारों तरफ से जो चीजें सराउंड करती हैं, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, जितनी चीज सराउंड करती है दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। और ये एनवायरमेंट दो तरह से हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक ह्यूमन मेड हो सकता है। तो ह्यूमन मेड जैसे ह्यूमन मेड एनवायरमेंट क्या है, ये ह्यूमन ने अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया, अपने उसके लिए बनाया, तो ह्यूमन ने खुद से बनाकर शो कर दिया। तो अब जैसे मान लीजिए कि ब्रिजेस, एक जगह से नदी को क्रॉस करना है, एक जगह दूसरी जगह जाना है, क्या करेंगे, हमने अपनी सहूलियत के लिए ब्रिज को बना लिया। तो ब्रिज में जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो क्या रिसोर्स क्या है, वो आपके एक तरह से जो है नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन बनाया किसने, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, इसलिए ये ह्यूमन मेड एनवायरमेंट हो गया। तो एनवायरमेंट मतलब जो इर्द गिर्द हमारे जितना चीज दिखाई पड़ रही है वो सब एनवायरमेंट कहलाता है। तो हर लोग जिस चीज से घिरे हुए हैं दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। तो हमारा एनवायरमेंट क्या है, हमारा एनवायरमेंट नेचुरल भी है, ह्यूमन मेड भी है। नेचुरल में भी नेचर ने जो बनाया है वो दो तरह से बनाया है, कुछ लिविंग थिंग है, कुछ नॉन लिविंग थिंग है। जिसमें हमने आपको बताया कि नेचुरल एनवायरमेंट ये चार तरह से होते हैं, नेचुरल जो है इसको हम चार तरह से बांट सकते हैं। तो ये हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, लिथोस्फीयर भी हो सकता है, एटमोस्फीयर भी हो सकता है, बायोस्फीयर भी हो सकता है। और इन चार में से कुछ जैसे आपके वाइटिंग होंगे, लिविंग होंगे, और कुछ इसमें से अवाइटिंग होंगे। तो इसलिए नेशनल एनवायरमेंट जो हमारा बनता है तो ये एक तरह से इन चार चीजों से मिलकर के बनता है। लिथोस्फीयर दैट इज रीजन ऑफ रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर दैट इज कलेक्शन ऑफ वाटर या डोमेन ऑफ वाटर, फिर एटमोस्फीयर दैट इज रीजन ऑफ गैसेस, और बायोस्फीयर रीजन ऑफ लाइफ। तो ऐसा जो है रीजन जहां पर लाइफ है, तो एक लिमिटेड जगह आपको लाइफ मिलेगी। और अर्थ के पूरे सर्फेस पे, पूरे अर्थ में कहीं लाइफ नहीं है। तो हमारे एक ऐसा एनवायरमेंट है, एक ऐसी जगह है जैसे यहां से लेकर यहां तक, और ये पूरा रीजन है, ये लाइफ वाला रीजन है, ये लाइफ का रीजन है। और ये रीजन ही क्या कह रहा है, बायोस्फीयर। अब आप इसके बाहर जाएंगे कहीं लाइफ नहीं है, इसके अंदर जाएंगे कहीं लाइफ नहीं है, कहीं पर भी लाइफ नहीं है। तो जो लाइफ वाला पोर्शन है जिसमें क्या आया, लिथोस्फीयर आया, हाइड्रोस्फीयर आया, एटमॉस्फेयर का सिर्फ 64 किलोमीटर तक का पार्ट था। 64 किलोमीटर तक भी अगर और वाइडली और डीपली अगर आप पढ़ेंगे तो बायोस्फीयर जो एक्सटेंड करता है वो मेनली 32 किलोमीटर तक करता है, 30 से 32 किलोमीटर।
अब आप कहेंगे 30 से 32 कैसे हो गया सर, अभी 64 किलोमीटर का, 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन हमारे हम लोगों के लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक है, 30 से 32 किलोमीटर सिर्फ। तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है 64 तक, लेकिन कर रही है कहां तक, 30 to 32 किलोमीटर। तो कहां तक कर सकती है हाइट में, 64 किलोमीटर तक। तो 64 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से, अर्थ के सरफेस से अगर हम बाहर की तरफ जाए तो ये जो है 64 किलोमीटर तक हम लोग जी सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है, लेकिन 32 किलोमीटर के बाद कहीं पर भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट करने की वजह ये है, क्योंकि 32 से 64 किलोमीटर के हाइट तक जो आपके पोर्शन है ऑक्सीजन का, वो बहुत रेयरर है, बहुत कम पार्ट बचे हैं, इसलिए ऑक्सीजन बहुत लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाती, जबकि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन कर रही है एक्चुअल में कहां तक, 32 किलोमीटर। इसलिए बायोस्फीयर का 32 किलोमीटर का कपाट और लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर मिला करके फिर आपका जो है मिलकर के बायोस्फीयर बनता है, एटमोस्फीयर का जो 32 किलोमीटर हाइट है वो लेकर के ये चारों पार्ट जो होते हैं ये आपके नेचुरल हो जाते हैं, इसमें से कुछ लिविंग और नॉन लिविंग है। ये इस तरह से हमारा एनवायरमेंट बनता है, और इकोसिस्टम जो हम लोग बनाते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन। तो इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, किसी ह्यूमन बीइंग में प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हम ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी जो है वो क्या बनाती है, एक सिस्टम बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है, कि तुम हमें ऑक्सीजन निकाल के दो, हम तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे, ये सिस्टम बन गया। तो हमें ऑक्सीजन दो, हम तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे, ये एक सिस्टम बन गया। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपके प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो प्लांट्स से जो है आपके ह्यूमन बींग्स को जो है फूड मिला, हम लोग अनाज खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को लगाते भी हैं, आपके खेतों में बोते भी हैं, दोनों चीजें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स जैसे पेट एनिमल्स हमारे घर के हैं, उसको ह्यूमन बींग्स जो है पालते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो हमें हेल्प करते हैं फूड में, ह्यूमन बींग्स को हेल्प करते हैं, इसके बाद ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड। तो सब चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो जो आपके एक तरह से इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे से कोरिलेशन है, इसे क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। तो सिस्टम जो हर एक चीज को बांधे, आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करे, वो क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये हम लोग का टॉपिक हो जाता है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी चीजें केवल आपको समझना है, जो हमने आपको बताया है। इस लेक्चर को कई बार देखा लिए, हेडफोन और ईयरफोन लगा लिए, जिससे कि हमारी वॉइस क्लियर है, और कई बार अगर आप देखेंगे तो अपने आप सारे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो आपके शीट में क्वेश्चन आंसर्स और ये दिए गए हैं उनको आप लर्न करें और इस लेक्चर को बार बार देखें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।